वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ 5-10 मिनट्स फटाफट रिवीजन करा देता हूं आपको लास्ट क्लास का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए थे उसके अंदर, ये हमेशा आप याद रखना, ये दो वर्ड्स चार्ज और दूसरा वर्ड है एप्रोप्रिएशन, जो आपके डाउट्स थे वो डाउट्स इसी टॉपिक के ऊपर थे। तो मैं हल्का सा इसे रिवाइज करा देता हूं, चार्ज और एप्रोप्रिएशंस। अगर आप बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो बुकिश लैंग्वेज में लिखा होता है, पूरा नाम लिखा होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये क्या होता है, मैं नॉर्मली चार्ज कहता हूँ, बुक्स में लिखा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं नॉर्मली एप्रोप्रिएशंस कहता हूँ, बुक में लिखा होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने लास्ट क्लास में आप सब बच्चों को बताया था एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था। एग्जैक्ट मीनिंग था, अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब एप्रोप्रिएट करेंगे, लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है मतलब कम है, और अगर प्रॉफिट कम है तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपको एप्रोप्रिएट करना है वो भी आप कम करेंगे। वेरी गुड प्रीत, जितना भी एप्रोप्रिएशन करना है वो कम करना है, और कम किस रेशियो में करना है, इसी रेशियो में करना है बेटा, प्रॉफिट रेशियो में नहीं करना, इस रेशियो में करना है। तो ये हमने एप्रोप्रिएशन का मतलब बताया था। चार्ज का मतलब होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट होगा फिर भी देना है, और अगर लॉस हुआ फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। चार्ज हमेशा कहां पे मिलता है, चार्ज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशंस कहां मिलेंगे, एप्रोप्रिएशंस आपको मिलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। मैंने कुछ 12th के एग्जांपल्स भी बताए थे आपको, वही एग्जांपल्स बार बार आते हैं पेपर के अंदर। जैसे हमारे पास ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, चार्ज। इसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तीन एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और मैनेजर कमीशन। ये तीनों की स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तीनों चार्ज है, हमेशा याद रखना, ये तीनों क्या है, चार्ज है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्या है, चार्ज है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अगर हम एप्रोप्रिएशन की बात करें तो ये वाला अकाउंट है आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें हैं, इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, These all are example of appropriation. ये सारी बातें हम कर चुके हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं आप सब बच्चों से पूछूं, बेटा सोच के बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहते हो, चार्ज है या appropriation? एक बार सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और appropriation? जल्दी जल्दी, आस्था, अभिषेक, आदित्य जैन, फटाफट बच्चे रिप्लाई करेंगे, अश्मित, अशप्रीत, आयुष, जल्दी बताएं ये क्या है, IOC क्या है? सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर नॉर्मली बात करें IOC क्या है, IOC है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा क्या है, एप्रोप्रिएशन है। और अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो ये कौन से अकाउंट में आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट 12th क्लास है, 12th क्लास में देखो, ये तो नॉर्मली बिल्कुल सही बताया, आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। 12th क्लास के अंदर, 12th क्लास में अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप डीड है, और डीड में क्लियरली लिखा है IOC को चार्ज मानना है, दोस्तों अगर डीड में लिखा है IOC को चार्ज मानना है, इन दैट केस आप IOC को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे, आप कहां दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो डीड की बातें तो हमेशा सर माथे, डीड की बातें हमेशा सर माथे, जो लिखा होता है वही आएगा। बेटा मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूं, अगर लाइट कट हो जाएगी तो 5 मिनट्स स्टे करेंगे और फिर दोबारा से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया ये वाला। एक और पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा ये बताएं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, आप बताएं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है, जल्दी बताएं। नॉर्मली अप्रोप्रिएशन होता है या चार्ज होता है, फटाफट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है? अप्रोप्रिएशन है, चार्ज। मैंने अभी अभी आपको P&L अकाउंट दिखाया था, और जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड, ये क्या है दोस्तों? ये चार्ज है। चार्ज हमेशा कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड समृद्धि, चार्ज हमेशा कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं जब भी इंटरेस्ट की बात करता हूं तो हम एक्सपेंस की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है। और शायद आप बच्चों को याद हो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, आपको याद है कितना इंटरेस्ट होता है? 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट कितना होता है? 6% पर एनम। बट अगर पार्टनरशिप डीड IOC के लिए साइलेंट है, दोस्तों डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो क्या IOC मिलता है? आंसर इज nil, नहीं मिलता। आपको ये सारी बातें याद रखनी। चलिए, इतना सब बच्चों को याद आ गया, और आगे चलते हैं। पहले एक स्टूडेंट का डाउट ले लेते हैं अपने साथ जरा। IOC चार्ज के क्वेश्चन आएंगे क्या? बेटा एक क्वेश्चन तरन मित्तल का है और एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इफ लोन इज टेकन इन एडवांस देन व्हाट वी डू। साहिल आपने जो पूछा है लोन इज टेकन एट एडवांस, ये वो ही होता है। अगर आपने एडवांस, आपने पार्टनर से एडवांस लिया हुआ है तो वो एक ही बात होता है, लोन हो या एडवांस हो। दूसरा तरन मित्तल आपका क्वेश्चन था, अगर चार्ज वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा या नहीं आएगा। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जितनी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज CBSE का लेवल बहुत हाई हो चुका है। तो आप ये मत सोचना कि सच चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बेटा CBSE कुछ भी पूछ लेगा। तो बिल्कुल रेडी रहें, जितना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं वो पढ़ के चलेंगे। चलिए, मैं नमन आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। अब इसके अंदर एक बात समझ लेते हैं, लोन में आपको क्वेश्चन है एक, ये वाला पॉइंट भी समझ लेते हैं। बेटा लोन में दो बातें होती हैं, आज के क्वेश्चन की हम थोड़ा सा यहां से बेस क्लियर कर देते हैं। लोन एक होता है गिवन बाय पार्टनर, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म को लोन दिया है, इसके लिए ये हमारी क्या बन जाती है? ये बन जाती है लायबिलिटी। अगर उल्टा है, लोन गिवन बाय फर्म, साहिल आपका आंसर इसमें कवर हो जाएगा, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया है, उल्टा हो गया, तो ये हमारी क्या बन जाती है? असेट्स बन जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान से समझना है। अगर लायबिलिटी है, उधार है, इसका मतलब आपको इसके ऊपर एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी के ऊपर हमेशा खर्चा होता है और असेट के ऊपर हमेशा आमदनी होती है, यानी इनकम होती है। तो ये आपको दोनों पॉइंट समझ आने चाहिए। हम जब भी आपसे बात करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं आपसे, ऑलवेज रिमेम्बर, हम इसके बारे में बात करते हैं आपसे कि लोन के ऊपर एक्सपेंस। ये पॉइंट क्यों पूछा गया? बिकॉज आज मैं आपके साथ अपने असाइनमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर लोन दिए हुए हैं दो दो, इसलिए बच्चे का डाउट आया था। पहली चीज यहां देखें, लोन एडवांस टू द फर्म,
इट मींस फर्म को एडवांस मिला है, तो फर्म को कब मिला है एडवांस? 1 अक्टूबर। ये एडवांस किसने दिया है? ये एडवांस दिया है एक पार्टनर ने, सुबेश ने। तो एडवांस का मतलब ये हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी टू द फर्म। और नीचे लिखा है लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, बस इंग्लिश है सारी की सारी। लोन टेकन, रहीम एक पार्टनर है, उसने लोन लिया है फ्रॉम द फर्म, इसलिए ये हमारी क्या बन गई? असेट्स। तो ये एडवांस का मतलब तो लोन ही होता है, किसको दिया है? फर्म को दिया है, इसका मतलब लायबिलिटी हो गई। और इसके ऊपर हमारा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और ये असेट्स है, इसके ऊपर हमारा क्या बन जाएगा? इनकम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अभी आएंगे इलस्ट्रेशन 15 पर। चलिए, इतनी बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। आपकी बुक में, ये दोस्तों आपकी बुक है मेरे साथ, बेटा आपकी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पहले आपके साथ वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लूं जल्दी जल्दी, कुछ बच्चों के डाउट्स थे। तो आप फटाफट अपनी बुक का पेज नंबर निकालेंगे 2.83, पेज नंबर 2.83। और इसके अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 2.83, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आराम से जरा एक बार समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, इनकी रेशियो है 2:3। कैपिटल्स दे रखी हैं 2 लाख एंड 3 लाख, ये इनकी कैपिटल्स हैं, ओपनिंग कैपिटल। अब हुआ क्या इसके अंदर? 1 अक्टूबर, ध्यान से डेट दी हुई है, 1 अक्टूबर को एक्स एंड वाई गेव लोन। बेटे दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया है 80,000 और 40,000। इट मींस फर्म को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, और अगर फर्म को ये पैसा वापस करना पड़ेगा तो फर्म की क्या बन जाएगी? ये लायबिलिटी टू द फर्म। आगे लिखा भी हुआ है किसको दिया है ये पैसा? फर्म को दिया है। शो द प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2021 एंड ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। चार केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और ये इस एक्सपेंस को बोला जाता है चार्ज। और अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया, जैसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया, तो आप सबको पता है कितना मान लेते हैं? 6% पर एनम। जरा एक बार देखें एक्स का कितना इंटरेस्ट निकलेगा। 80,000 का लोन है, रेट है 6%, मगर ये दिया कब था? 1 अक्टूबर। अगर 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करता हूं तो ये बचते हैं 6 मंथ्स। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये सारी बातें आपको पता है। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस चार्ज हो गया, कितना आ गया? 8 6 48, ये आ गया 2400 का इंटरेस्ट एक्स का। दूसरा कौन था? वाई। वाई का भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वाई ने 40,000 का लोन दिया है, 40,000 का इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट तो क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए 6%, और इसका भी 6 मंथ्स का। बेटा एक बार इंटरेस्ट चेक करें फटाफट, कोमलप्रीत वेरी गुड, कितना आ गया ये? 1200। और याद रखना सर, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कि अगर लॉस हुआ तो भी देना पड़ेगा, और चार्ज हमेशा कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। हम स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2 से। बेटा सारे नहीं कराऊंगा, आसान है, आप मेन चीज पढ़ें। केस नंबर 2 में लिखा है इफ प्रॉफिट, पहला वर्ड मैं बार बार आपको बोलता हूं बिफोर, पहला वर्ड मिला है बिफोर, बिफोर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है, मुझे यही चाहिए था। कितना प्रॉफिट है? 3000, 3000 का प्रॉफिट है, ये लीजिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं आपको बता देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
मैंने यहाँ पे लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहले का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 3,000 का प्रॉफिट दे रखा है, ये आ गया आपका, सॉरी इधर नहीं आता, इधर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये 3,000 का प्रॉफिट है, स्टार्टिंग में 3,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे आप एक खर्चा दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक है एक्स दूसरा है वाई, आप चेक कर सकते हैं जिन बच्चों को डाउट है, ये देखिए बेटा ये पीएनएल का फॉर्मेट है, स्टार्टिंग में आता है ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एक्स का कितना था 2400 और इसका था 1200। दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट 3,000 है बट हम बांट रहे हैं 3600, कोई बात नहीं, चार्ज है, देना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेमेंट है। और फाइनली ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, जरा एक बार देखें कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 3600 और यहाँ भी इसका टोटल आ रहा है 3600। इट मीन्स डिफरेंस जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड नेट लॉस, नेट लॉस आ गया 600 और ये 600 पार्टनर्स बांट लेंगे एक्स और वाई। क्या रेशियो थी इनकी, प्रॉफिट रेशियो क्या थी, प्रॉफिट रेशियो थी इनकी 2:3, तो 5 से डिवाइड करा तो 120, इसको मिलेगा 240। वेरी गुड बेटा, तरन गलत हो गया, रेशियो आपने उल्टी लिख दी, इसको मिलेगा 360। खत्म कहानी, मुझे तो बस ये बताना था चार्ज है, कंपलसरी पेमेंट, देना जरूरी है इसलिए तो हम लॉस में चले गए, बेटा देना जरूरी था इसलिए हम चले गए लॉस के अंदर, तो ये आ गया लॉस। हमारा केस नंबर 2 खत्म। एक केस नंबर 4 में भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, केस 4 में लॉस दिया हुआ है पहले ही, तो मैं केस नंबर 4 भी आपको यहाँ पे कर देता हूँ। लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 1400, चलिए तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं जरा, यहाँ पे केस नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, केस नंबर 4 मैंने फिर बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर पहले ही ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, पहले ही क्या दिया हुआ है, लॉस है, स्टार्टिंग का लॉस है इसलिए मैं ग्रॉस मान लेता हूं, बट स्टार्टिंग का लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट से आता है इसलिए हमने क्या मान लिया, लॉस, तो लॉस आ गया इधर 1400। बेटा रेशो कहाँ से आई, बच्चा कह रहा है कि सर रेशो कहाँ से आई, प्रीत क्वेश्चन के अंदर ये रही रेशो, ये रही रेशो 2:3, इस रेशो में आप प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीत होप आपको बात समझ आ गई होगी, लॉस है 1400 का और अब देते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सर चार्ज है, लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, चार्ज है तो देना ही पड़ेगा, चलिए कितना कितना था 2400 और कितना था 1200, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया, वेरी गुड सर, 5,000, 5,000 हो गया टोटल। इधर डिफरेंस आ रहा है, पता है उस डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नेट लॉस, और नेट लॉस कितना आया 5,000, बस बांट दो एक्स और वाई में, बांट दो इनकी रेशो में, रेशो थी 2:3, इट मींस इसको मिलेगा 2,000 और इसको मिलेगा 3,000, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म। बेटा मैंने देखा था ग्रुप में कुछ बच्चे कह रहे थे ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, बेटा इधर उधर की फालतू चीजें बुक्स में मत पढ़े, ये कभी नहीं आएगा। एक बच्चे ने डाल रखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिंटेड, मुझे नहीं पता कहाँ से कॉपी किया था, बट ऐसे र्यूमर्स से सावधान, जैसा पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही चलना है आपको। चलिए पहले मुझे बताएं फटाफट एनी डाउट्स इन दिस, मैं आगे चलना चाहूंगा आपके साथ, बेटा जल्दी जल्दी बताएं एनी डाउट्स इस पॉइंट के अंदर, और एक बार देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। चलिए बेटा फटाफट एक दो ही बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं, तरन गरिमा सैग्नयो
स्मृति, आशीष, चलिए डाउट्स नहीं है, हम चलते हैं आगे। बेटा आज हो सकता है हम अपनी क्लास थोड़ी से एक्सटेंड करनी पड़े, तो जिन बच्चों की 6 o'clock क्लास है वो बच्चे तो लीव कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चे मेरे साथ मीटिंग में रहेंगे। आज मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें से कवर करा देता हूँ। पहले हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है असाइनमेंट का इलस्ट्रेशन 15। इन क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट बातें हमने कवर कर ली थी डीके गोयल सर की बुक की। चलिए जरा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं आराम से और साथ साथ समझेंगे। अगर क्वेश्चन में देखा जाए इलिस्ट्रेशन 15 में लास्ट में क्या लिखा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आप सब बच्चों को कैपिटल अकाउंट की वीडियो भेजी थी, तो मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और आप अपने घर में दोबारा से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं जरा काम की बातें फटाफट। सबसे पहले ढूंढते हैं इसके अंदर प्रॉफिट कहाँ लिखा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट सर ये लिखा प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च का 1,75,500। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बिफोर, और मुझे भी क्या चाहिए दोस्तों, मुझे भी बिफोर ही चाहिए। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म्स, यानी ये जो प्रॉफिट दे रखा है ये इन सबसे पहले है, बिफोर है। कितना प्रॉफिट है 175,500। मैं क्या करता हूं, अगर आप मेरे सामने देखें यहाँ पर ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं जितने भी यहाँ प्रॉफिट हैं, सबसे पहले प्रॉफिट ये है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहला प्रॉफिट ये दे रखा है 75,500। मैंने इसे क्या मान लिया, ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहला प्रॉफिट है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या क्या चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। रहीम एंड सुदेश आर टू पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, एग्री टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग टर्म्स। ए, इंटरेस्ट ऑन पेबल, कैपिटल पे इंटरेस्ट है 5% पर एनम। तो फटाफट देख लेते हैं, ये हैं कैपिटल के बैलेंसेस और 1 अप्रैल के बैलेंसेस हैं। फटाफट इन्हीं के ऊपर 1,50 और 1,40 इसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लग गया। हाँ जी बताएं मुझे कितना इंटरेस्ट लगेगा, मैं इसको जरा फोल्ड कर देता हूँ। बेटा आप सब बच्चों ने ट्राई किया होगा, मैंने होमवर्क में दिया था, जल्दी मुझे बताएं कि इंटरेस्ट कितना है। एक पार्टनर का नाम है रहीम, दूसरे का नाम है सुदेश, 1,50,000 का 5% ये आएगा, वेरी गुड, 7,500, और 1,40,000 का 5% ये आएगा 7,000, वेरी गुड स्मृति, गरिमा, कोमल। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 14,500। चलिए और आगे चलते हैं। रहीम को सैलरी मिलेगी 500 रुपए पर मंथ, 1 महीने के 500 हैं तो 12 महीने के हो गए 12,500, 6,000। तो सैलरी सिर्फ किसे मिलेगी, रहीम को मिलेगी 500 रुपए पर मंथ, 12 मंथ्स की कितनी हो गई, 6,000 की हो गई सैलरी। और आगे चलते हैं, सी पॉइंट अभी पढ़ते हैं। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म, बेटा पार्टनर ने फर्म को दिया है, इसका मतलब फर्म के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी, और लायबिलिटी के ऊपर क्या होता है, एक्सपेंस। कितना इंटरेस्ट है, 10% पर एनम। जरा देखें एक बारी, ये रहा इसकी इंफॉर्मेशन, ये रही, यानी ये जो सी पॉइंट है इसकी इंफॉर्मेशन ये है नीचे। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है सुबेश ने 1 अक्टूबर को लोन दिया था 1 लाख। अगर 1 अक्टूबर को लोन दिया था और लोन का इंटरेस्ट है 10%, मेरे साथ यहाँ पे देखें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मैंने लिख दिया किसका नाम, सुबेश का। हाँ जी फटाफट जरा देखें कितना आ रहा है, 1 लाख का लोन था, 10% इंटरेस्ट रेट था, बट अक्टूबर में दिया था, अक्टूबर का मतलब 6/12,
1 लाख का 10% बेटा कितना आ रहा है, ये जल्दी जल्दी बताएं, ये आ रहा है 5,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। सी पॉइंट भी खत्म। डी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5% पर एनम। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे चलते हैं। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा डेट नहीं गिवन, ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं जहां पे वो सारा पॉइंट पूछ लेते हैं। ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन, तो हम डेट नहीं गिवन तो हम क्या मानते हैं, मिडल। जल्दी जल्दी देखें, ड्रॉइंग्स कौन कौन से पार्टनर्स थे, एक था आर, एक था एस, और अगर हम बात करें आर की, 40,000 की ड्रॉइंग्स हैं, 40,000 की ड्रॉइंग्स हैं, इंटरेस्ट का रेट था 5% पर एनम, डेट नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन तो 6/12, तो 2000 ये आ गया, वेरी गुड, ये आ गया 1000। एस का हम फटाफट निकाल देते हैं, 30,000 का होता है 1500। बेटा ये कितना आ रहा है, क्या जल्दी जल्दी बता सकते हैं बच्चे, कितना आ रहा है, 750, वेरी गुड। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 1750। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी खत्म। आगे चलते हैं, सुदेश को कमीशन मिलेगा 1% ऑन सेल्स। बेटा अभिषेक अगर रेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया होता तो 0 मानते हैं, निल मानते हैं। पार्टनरशिप डीड में अगर ये 5% नहीं लिखा होता तो मैं निल मानता। सुदेश को 1% कमीशन मिलेगा सेल्स पर। सेल्स कितनी है, सेल्स ये दे रखी, सेल्स दे रखी है 7 लाख, 7 लाख का 1%, तो ये आ गया कमीशन। मगर कमीशन किसे मिल रही है, सिर्फ सुदेश को, 1% ऑफ 7 लाख, तो ये आ रही है 7000। चलिए ये भी बात समझ आ गई, सारे पॉइंट्स खत्म। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर एनम। बेटा रहीम पार्टनर है और पार्टनर को रेंट देना पड़ेगा 25,000 फॉर अलाउइंग द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस हिज प्रिमाइसेस। इसका मतलब फर्म रहीम के प्रिमाइसेस पर, रहीम के घर पर, रहीम के घर पे फर्म चल रही है, इसलिए फर्म को 25,000 रुपीज क्या देना पड़ता है, रेंट। और आप सबको पता है रेंट पेड टू पार्टनर यहाँ आता है, मैं नाम लिख देता हूँ, ये पैसा किसे मिलेगा, रहीम। कितना मिलेगा, 25,000, 25,000 पर एनम। चलिए यहां तक ये भी बात खत्म हो गई हमारी, चार्ज समझ आ गया क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक। हाँ लास्ट रह गया है ये, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, ये हमारी क्या बन गई थी, इनकम। और इनकम आपको पता है यहाँ आती है, इनकम, इनकम आती है इधर। 50,000 का लोन है, उसका रेट है 12%, मगर ये जो लोन है ये हमने दिया है 1 जुलाई को, जुलाई से कैलकुलेट करें, जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं, तो ये टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई, 45। इसको आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारी इनकम है, कितनी होगी हमारे पास 9,4500 का। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इसके अंदर, और एक बार हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब आपने बस कैलकुलेशन करनी, बेटा रेंट, रेंट जो है पर एनम है, पूरे साल का है, 12 महीने का है साहिल। अगर पूरे साल का है तो मैं दोबारा से 12 में नहीं करूंगा, यहाँ पर मंथ था, एक महीने का था, इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई। बस अब कुछ नहीं करना, अब तो आपको टोटलिंग करनी है जल्दी जल्दी। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,80,000, 1,80,000 में से 25 और 5, 30,000 गए, तो नेट प्रॉफिट आ गया 1,50,000, वेरी गुड आस्था। बेटा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा सेफ रहोगे, विदाउट पीएनएल आप थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो
तो बेटर है टू प्रिपेयर P&L अकाउंट. ऑफकोर्स क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, बट ऑन सेफर साइड आप बना लेना, इससे कभी गलत नहीं होगा आपका. मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, बट अभी आई प्रेफर कि आप सारे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं. और यहां से आया 150, वेरी गुड सेगमेंट 150, और इसको जरा प्लस करें, ये आ रहा है 151,750. बेटा चेक कर लेना क्या हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है. मुझे लगता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन होगा और उसके अंदर इनसफिशिएंट प्रॉफिट आएंगे, अदरवाइज तो बच्चा पागल हो जाएगा. इसमें से इसको 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 माइनस करते हैं जरा. चलिए यहाँ पे देखते हैं जरा, 151,750 सफिशियंट है. बच्चे कह रहे हैं सर सफिशियंट है. 14,500, 6,000 माइनस, 7,000 माइनस, ये आ रहा है 124,250. इसका मतलब जो आपके पास फाइनली प्रॉफिट आ रहा है 124,250, और पार्टनर्स के नाम थे R और S. हमें ये चेक करना है इनकी रेशो कितनी थी. बेटा किसी को पता है रेशो कितनी थी? रेशो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है. वेरी गुड बेटा, रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या मानते हैं? इक्वली. तो जरा इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं और ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर सही आ रहा है, 62125. मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जिसमें आपका सारा का सारा चैप्टर कवर हो जाए. मैंने P&L अप्रोप्रिएशन बना दिया, अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं. कैपिटल अकाउंट्स की जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसके अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर आती हैं. प्रॉफिट्स, ये सब चीजें कैपिटल में आती हैं, यानी इसी के बेस पे कैपिटल अकाउंट बनता है. अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर रेंट पेड टू पार्टनर क्या कैपिटल में आएगा? सो आंसर इज नो, ये चीजें कैपिटल में नहीं आएंगी. ये आप उनको कैश दोगे, घर भेजोगे, टाटा बाय बाय. कैपिटल हमेशा किसके बेस पे बनता है? इसके बेस पे बनता है, हमेशा याद रखना. क्या सर पार्टनर का लोन कैपिटल में आएगा? आंसर इज नो. क्या मैनेजर कमीशन आएगा? आंसर इज नो. तो ये कोई भी चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये चीजें आएंगी. और हम एक बार कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, आप सब बच्चों को थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा कैपिटल. चलिए हम यहाँ पे फटाफट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल. बेटा मैंने आपका जितना भी अभी तक पोर्शन कराया है, मैं चाहता हूं कि एक MCQ टेस्ट हम आप सब बच्चों का लेंगे. उसमें आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैनेजर कमीशन, छोटे छोटे सारे के सारे टॉपिक्स में आपसे पूछूंगा. गूगल फॉर्म में टेस्ट होगा, तो आप प्रिपेयर रहना MCQs के लिए. और मैं आज आपके सामने फर्स्ट टाइम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ. एक बार जरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, एक है हमारे पास रहीम और दूसरा है सुदेश. तो मैंने दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एक साथ बना दिए और आपने भी एक साथ ही बनाने हैं. एक है रहीम, दूसरा है सुदेश. रहीम और सुदेश, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. यहां लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स. सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस. अब जरा फटाफट देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना कितना था. 150,000 और 140,000. तो यहाँ पे लिख देते हैं ये ओपनिंग बैलेंस है 150,000, 140,000. अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखी हो, जब भी पार्टनर को कुछ पैसा मिलता है इधर आता है प्लस, और अगर पार्टनर से पैसा जाता है तो इधर आता है माइनस. और देखते हैं इसके अंदर क्या इसमें सर ड्राइंग्स दे रखी हैं. यस दोस्तों, ड्राइंग्स भी हैं, 40,000 और 30,000. आपको पता है ड्राइंग से
आपकी कैपिटल कम हो जाती है ड्राइंग से, 40,000 और 30,000, ये भी हो गए ड्राइंग से खत्म। और आगे चलते हैं इसके अंदर, बस खत्म कहानी, लोन कहीं आता नहीं। और ये रहा आपके सामने एप्रोप्रिएशन, इसको देखो फटाफट इसके अंदर डालते जाएंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहले हर चीज दोस्तों क्रॉस में आती है, अगर आसान तरीका समझना है तो हर चीज क्रॉस में आती है। जैसे ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, बाई आईओसी, बाई सैलरी, हर चीज क्रॉस में, बाई कमीशन, और ये प्रॉफिट भी बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट है आपका, हर चीज क्रॉस में आ जाएगी। और सर ये वाली चीजें इधर आ जाएंगी क्रॉस के अंदर, यानी सर हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जल्दी जल्दी हम टोटल कर लेते हैं इसके अंदर, और जो सबसे लास्ट में बच जाता है दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। जैसे ये था बीडी ओपनिंग बैलेंस, ये है सीडी क्लोजिंग बैलेंस। अब जरा फिगर्स डाल देते हैं, इंटरेस्ट है 7500, 7000, सैलरी मिल रही है सिर्फ इसको 6000, कमीशन मिल रहा था सुदेश को 7000, प्रॉफिट मिल रहा है दोनों को 62125, 62125। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इससे कैपिटल इनकी कम हो रही है और इससे भी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। फाइनली बच गया बैलेंस सीडी, मैं नीचे लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर, बस टोटलिंग करनी है। अगर आपने मेरे साथ साथ, किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर एक बार कैपिटल अकाउंट बना दो, तो मैंने कैपिटल बना दिया। बेटा मेरे साथ जरा कैलकुलेटर पर देखेंगे, 62125, तो टोटल आ रहा है 225625, ये टोटल है आपका। इस टोटल को आप यहाँ लिखेंगे 225625, और इसमें से ये माइनस कर देंगे 225 में से 40,000 और 1,000, माइनस 41,000, 184625। तो फाइनल बैलेंस सीडी आ गया 184625। इधर चलते हैं जरा, किसके पास चलते हैं, सुदेश के पास 140,000, वेरी गुड। एक अच्छा बच्चे ने बता भी दिया 7,000, फिर 7,000, 62125, ये आ रहा है इसका टोटल 216125, और इसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं, माइनस 30,000, माइनस 750, तो फाइनली आंसर आ गया 185375, 185375। तो ये कैपिटल अकाउंट मैंने आपको सिखा दिया। बेटा क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, अभी हमें कुछ और भी बातें आपसे डिस्कस करनी है। एमसीक्यूज के बाद आपके फिर डाउट्स पे आएंगे। आप सब बच्चों ने मुझे इस सब के आंसर बताने हैं जल्दी जल्दी, अब रेडी रहना, काइंड ऑफ टेस्ट है आपका छोटा सा। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 रीड करेंगे आप सारे बच्चे और आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड में नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, फटाफट बताएंगे स्पीड से। वेरी गुड प्रिया वासु, तरन मित्तल, नो इंटरेस्ट। बेटा सीधा आंसर बताना है, वेरी गुड सर, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट अलाउड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पार्टनरशिप डीड पे नहीं है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन पे कितना दिया जाता है, जल्दी आंसर दें, ए बी सी डी। वेरी गुड, स्टूडेंट्स कम रह गए हैं और बढ़िया लग रहा है, एकदम बच्चे अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वृंदा दुआ, वेरी गुड, आंसर इज बी वासु सोनी, वेरी गुड। आशीष लोहिया, 6% पर है ना। चलिए और चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चन पर,
कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करते हैं इसके अंदर। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आप बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है, टेक योर टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L के अंदर कौन सी आइटम नहीं रिकॉर्ड की जाती? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेंट, डिविडेंड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरी। वेरी गुड हार्दिक कत्याल, वेरी गुड प्रिया बासु, गुड वन बेटा, वेरी गुड, समझ आ गया आप बच्चों को। रेंट पेड टू पार्टनर्स, मान्या शर्मा, वेरी गुड आशीष लोहिया। तो रेंट पेड से चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इफ एनी लोन एडवांस प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने दिया है, उस बैलेंस को कहां दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? समृद्धि गलत हो, अच्छा पहले वाला आंसर दिया है आपने बेटा 27 में। एडवांस बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, फर्म की असेट है या लाइबिलिटी? वेरी गुड आशीष, प्रीति, कोमल प्रीत, पार्टनर ने लोन दिया है, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर सही है बेटा। इसी तरह से मैं आपकी भूमिका, वेरी गुड स्मृति, यश, मैं आपके ऐसे ही टेस्ट लूंगा एक MCQs का। तो आपको मैं हल्का सा बस एक ट्रायल दिखा रहा था, डेमो, और चलते हैं आगे। जरा एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं इसके अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर मैं आपको रीड कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको ध्यान से वर्ड पे फोकस करना, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग है, और आपको निकालना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जल्दी मुझे बताएं कितना आएगा, फटाफट बताएं। प्रिया क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा बी, क्वेश्चन 38 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 39 का आंसर बताएं बेटा सारे बच्चे। कोमलप्रीत का आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट दे रखा है और नेट डिविजिबल प्रॉफिट बनाना है। स्मृति चोपड़ा, नमन, तरन मित्तल, बेटा बाकी सारे बच्चे बनाएं फटाफट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। वासु सोनी, चेक करें एक बार बेटा सब बच्चे हमारे साथ। आशीष, भूमिका, गरिमा, मान्या, नमन, अर्नव, बेटा अर्नव फटाफट रिस्पॉन्स करो। सग्नेव, साहिल, यश, वृंदा, अगर इसके अंदर हम देखें तो प्रॉफिट है आपके पास 150। आप सीधा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, 150 का प्रॉफिट है। कैपिटल माइनस होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है, ड्रॉइंग्स प्लस होती हैं। तो आंसर आ गया आपके पास डी, डी इज द करेक्ट आंसर। आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट 134 आएगा। सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था और कुछ नहीं करना था बेटा। बहुत सारे बच्चे मीटिंग से एग्जिट कर गए, तो इट्स बेटर कि क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए।